दोस्तों आज मैं तमिलनाडु कोडाई के नाल में हूँ। अभी अभी एक टाटा ग्रुप कंपनी के लिए एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस मैंने फिनिश किया और जैसे ही मैं फिनिश करके वापस अपने रूम में गया तो अपनी प्लेन की टिकट जैसे मैंने चेक की तो मुझे ये एहसास हुआ कि आज बैसाखी है और जीवन की इस भाग दौड़ में सिखों के लिए काफ़ी पावन पर्व है ये। मैं हर साल गुरुद्वारे जाना इस दिन एक परिवार के इकट्ठे होने का भी दिन है, बट मेरे माइंड चो निकल गया ये चीज़ कम्प्लीटली निकल गई जब तक मैं प्लेन टिकट नहीं देखी। तो जब तक मैंने प्लेन टिकट नहीं देखी मुझे एहसास नहीं हुआ कि आज ये दिन है और मैं इसे ऐसे मिस कर गया हूँ। कुछ बुरा लगा मुझे थोड़ा, बिकॉज एक रिचुअल होता है, एक ऐसी हमारी एक हैबिट होती है कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट करने की, कुछ त्यौहारों की सेलिब्रेट करने की, हमारा विश्वास होता है उन सब चीज़ों के। आई फेल्ट बैड फॉर अ फ्यू मिनट्स, पर जैसे इस चीज़ पर मैंने रिफ्लेक्ट किया तो मेरे मन में ये ख्याल आया आई वॉज एबल टू रिकनसाइल इंटरनली। धर्म कोई भी धर्म हो, सिखिज्म हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जूडाइज्म हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी धर्म हो, धर्म हमें अच्छा करना सिखाता है, अच्छे चीज़ों के रास्ते पर डालता है। सिंबल्स ठीक हैं, त्यौहार ठीक हैं, हमारी इमोशंस इनके साथ जुड़ी होती हैं, हमारे बिलीव्स इनके साथ जुड़े होते हैं, पर ये चीज़ का भी हम यकीन रखें कि भगवान की, वाहिगुरु दी, परमात्मा दी, परमेश्वर दी, परवदिगार दी, उसकी मेहर ज़रूरी नहीं हमें मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर जाके में ही मिले। अगर हम जीवन में अपना चुना गया काम अच्छे ढंग के साथ, सिंसेरिटी के साथ, पॉजिटिव इमोशंस के साथ, एक ऐसी स्पिरिट के साथ कर रहे हैं दैट यू वांट टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड, कि आप दुनिया में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, आई थिंक सबसे बड़ी पूजा वही है, सब तो बड़ा पाठ वही है, टू डू गुड इन योर चोजन प्रोफेशन। सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन है दैट रिलीजन एंड योर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये दो सेपरेट एंटिटीज हैं, कि मैं ये चीज़ पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, फिर मैं जाके भगवान के घर में जाऊँगा, मंदिर में जाऊँगा, गुरुद्वारे में जाऊँगा, मस्जिद में जाऊँगा, और फिर परमेश्वर को, मैं परवदिगार को, वाहिगुरु को मैं उसकी स्तुति करूँगा। दीज टू नीड नॉट बी सेपरेट कॉन्सेप्ट, ये दोनों अलग चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है। आई थिंक इंडिविजुअल्स लाइफ बिकम्स कम्प्लीट वेन दे कैन मर्ज टुगेदर। अगर आपके चुने गए काम में से ही आप भगवान को पाने का कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। अक्सर मैं जलंधर में एक अपाहज घर है उसके बाहर लिखा हुआ है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। इफ़ वी कैन हेल्प अवर फेलो ह्यूमन बीइंग, और हर धर्म यही सिखाता है, सिख धर्म च बखूबी इस चीज़ नू लिखा गया है, किरत करो, मेहनत करो, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, द थ्री प्रिंसिपल्स, फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द सिख रिलीजन, किरत करो, मेहनत करो, वर्क हार्ड, नाम जपो, मेडिटेट ऑन द लॉर्ड्स नेम, वंड छको, एंड देन शेयर योर सक्सेस विद अदर पीपल। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, और गुरुद्वारे जाए बिना गए भी व्यक्ति इस चीज़ों इस प्रिंसिपल्स नू अपने लाइफ पा सकता है, इंसान इन चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज कर सकता है। तो यही सोच के साथ मैं आई वॉज एबल टू फील बेटर कि आज 70-80 लोग थे मेरी ऑडियंस में, जो 2.5-3 घंटे मैंने उनके साथ स्पेंड किए, अगर मैं अपने काम को पूरा जस्टिस कर पाया, अगर मैं उस स्पिरिचुअल एलिमेंट को अपने वर्क में इंट्रोड्यूस कर पाया, तो शायद मैंने आज बैसाखी का दिन अच्छा गुजारा है। गुरुद्वारे में शायद नहीं जा सकया, पर शायद अपने काम विचों ही मैं रब नूं एक अरदास कीती, कम विच्चों एक रस्ता लभण दी कोशिश कीती कि द वर्ल्ड कैन बिकम बैटर। आई वॉज स्पीकिंग टू अ लीडरशिप ग्रुप टूडे और 70-80 बंदे जो एक ह्यूज एंटरप्राइज नूं रन कर रहे हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ पावर टू मेक अ डिफरेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो आई थिंक इट वॉज अ डे वेल यूज। अगर आप भी अपने किसी रिचुअल को, सिम्बॉलिक किसी रिचुअल को, किसी चीज़ को अगर मिस कर देते हैं, तो don't consider it a lost opportunity, instead look for other opportunities in your daily work life, in your profession, even if you can lift one human being a day, lift emotionally, psychologically, I think that's a day well spent. Agar aap ek din mein ek bhi vyakti ki agar kuch uski life mein kuch improvement kar sakte hain, I think that'll be a great service to mankind, and service to mankind is what every religion teaches.